प्रिय मित्रों, आज मैं आपको समय प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। आज एक सबसे बड़ी समस्या है कि लगभग सभी व्यक्ति तनाव में है। स्ट्रेस एक मुख्य समस्या बन चुकी है। व्यक्ति किसी स्तर पर जी रहा हो, धनवान हो, मध्यम वर्ग में हो, उच्च वर्ग से हो या निम्न वर्ग में हो, तनावग्रस्त, सभी तनावग्रस्त हैं। इसका सबसे बड़े कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है मित्रों कि हमारे पास समय है, समय का प्रबंधन नहीं है। यदि हमारा प्रत्येक क्षण पूर्व नियोजित हो, सुबह से लेकर शाम तक सारी दिनचर्या हमारी पहले से ही निश्चित हो, तो फिर मस्तिष्क का अधिक काम नहीं रह जाएगा। उस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही हम सारा कार्य करते चले जाएंगे। और संयोग से यदि कोई कार्य छूट जाता है तो उसे अगले दिन की प्राथमिकता में डाल लेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक समय सारणी बनाने का अभ्यास करें। प्रत्येक शाम को सोने से पूर्व हम अगले दिन का एक टाइम टेबल बना लें जिसमें पूरे दिन का कार्यक्रम निर्धारित हो, और उस कार्यक्रम में जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमको करना है, उसको प्राथमिकता के आधार पर उसका रिटिन वर्क कर लें, उसको लिख लें कि सर्वप्रथम हमें क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, और रात के सोने से पूर्व तक का पूरा कार्यक्रम बना लें। मैं मानता हूं परिस्थितियों बस कोई कोई कार्य नहीं हो पाएगा, उसे अगले दिन के लिए डाल लें। इससे सर्वप्रथम बात तो ये होगी कि आपको बार बार अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। एक हिसाब से उस कार्यक्रम के आप अनुयायी हो गए, यू आर फॉलोअर ऑफ दैट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड प्रोग्राम। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसर जिन पर डिस्ट्रिक्ट की रिस्पांसिबिलिटी है, किसी पे पूरी प्रोविंस की रिस्पांसिबिलिटी है, उनके कार्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं, और नहीं तो वो बहुत ही तनावग्रस्त हो जाते। हो सकता है प्रारंभ में ये न हो, कम उसका पालन हो पाए, लेकिन यदि हम अभ्यास करें तो धीरे धीरे हमारी समस्याएं भी हल होंगी और दिमाग भी तनाव रहित रहेगा। एक कार्य पूरा हो गया, हमने फौरन देखा इसके बाद क्या काम है, वो करने लगे। वो पूरा हो गया, दूसरा करने लगे। आप देखिए आपको कितनी संतुष्टि मिलती है और अतिरिक्त सोचने का समय भी नहीं। ये अतिरिक्त समय ही हमारी दुख का कारण बन जाता। ऐसे में हम निर्णय नहीं कर पाते कि हम क्या करें, और कभी कभी हमें भविष्य की आशंका और अतीत का पश्चाताप हमको घेर लेता है और हम तनावग्रस्त हो जाते हैं।
मेरे ख्याल से, मेरे विचार से संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी अतीत में कोई त्रासदी ना रही हो, कोई दुख ना रहा हो, कोई समस्या ना रही हो, या भविष्य के प्रति कोई चिंता ना हो। लेकिन यदि हम इसमें अधिक डूबेंगे तो हमारा जो वर्तमान है वो भी खराब हो जाएगा। उन सारी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम बनाएं, उस चिंता के संबंध में भी कोई अपना एक समय निर्धारित कर लें, क्योंकि उसके लिए हमें ये करना है। तो मैं समझता हूँ सुखपूर्वक और शांतपूर्वक जीवन बिताने का ये सर्वोत्तम उपाय है, ऐसा मेरा विचार है। यदि आपको सहमत हो, आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।